एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव अपने इस YouTube चैनल दया मैथ चैनल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं तो आज की इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट जो है क्लास 8 के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से है और जो क्वेश्चन है वो आर एस अग्रवाल की टेक्स्ट बुक से है। तो क्वेश्चन क्या है इसे समझ लें। द एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड इज 3750 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ ग्रेवल टू ए हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर इफ द ग्रेवल कॉस्ट आर एस 6 रुपीज़ 40 पैसे पर क्यूबिक मीटर। यानी दिया गया है कोर्टयार्ड का मतलब आंगन से है, तो आंगन का एरिया दे दिया गया है और आपको जो है कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल। अब ग्रेवल का मतलब होता है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कोर्टयार्ड जो है अगर उसमें पत्थर बिछाए जा रहे हैं जिसकी हाइट अगर 1 सेंटीमीटर दी गई है तो आपको जो है ग्रेवल कॉस्ट जो लागत जो लग रही है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए ये कोर्टयार्ड है और तो ये तो एल है और तो बी है, क्लियर। लेकिन जब पत्थर गिराए जाएंगे इसमें बिछाए जाएंगे इसमें, क्लियर, तो ये हाइट एच भी लेगा। तो यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि जो अमाउंट ऑफ जो ग्रेवल है वो क्या होगा। तो अमाउंट ऑफ ग्रेवल जो होगा वो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, एल इंटू बी इंटू एच पे। जहाँ पे L और B इनको अगर एक साथ लेंगे तो ये एरिया बनाएगा और एरिया का जो रिजल्ट है अब देख लीजिए 3750 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और यहाँ पे जो हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर दी गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे यूनिट मीटर स्क्वायर में है, यहाँ जो है सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हमको क्या करना होगा कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। और ये याद रखो कि जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे, सेंटीमीटर को मीटर में, तो याद रखना कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 3750 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/100 कर देंगे और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लो कि 1010 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट हुआ 375/10। और चूंकि मीटर स्क्वायर दो बार है और यहाँ मीटर एक बार है तो इसको मीटर क्यूबिक लिख लेंगे। अब जो है यहाँ पे हम लोग ये देखें कि अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 रुपीज़ 40 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर का जो कॉस्ट जो पड़ेगा वो 6 रुपीज़ 40 पैसे पड़ रहा है। तो यहाँ पर निकाल दीजिएगा कॉस्ट ऑन ग्रेवलिंग, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेट। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है 375/10 मीटर क्यूबिक और यहाँ पे जो लागत दी गई है 6 रुपीज़ 40 पैसे, तो उसको हम लोग लिख लेंगे आर एस 6 रुपीज़ 40 पैसे ऐसे कर लेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लिया जाए तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 2 5 जा 10, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, क्लियर। और इसको जब आप 2 से काटोगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 3 जा 6, डेसिमल लग जाएगा, 2 2 जा 4 0। और यहाँ पे 375 जो होगा 5 से डिवाइड होगा, तो जब इसको कैंसिल करोगे तो रिजल्ट जो होगा यहाँ पर 5 7 जा 35, क्लियर, और 5 5 जा 25। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा कि आप तो रेट निकाल रहे हो, वो कैलकुलेट कर रहे हो कि भाई अमाउंट कितना आएगा रुपीज़ में, तो 3 रुपीज़ 20 पैसे का मल्टीप्लाई 75 से कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। 3 रुपीज़ 20 और आप 75 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1600। कैलकुलेट करने पर यहाँ पर 0 14 और 7 3 21 और 1 जोड़ दो तो 22, तो 0 0 10 और ये 4 और ये 2 मिलेगा। तो चूंकि डेसिमल यहाँ 2 नंबर पहले लगा हुआ है तो डेसिमल जो है आप 2 नंबर पहले यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे 240 रुपीज़ की कीमत आएगी यहाँ पे। तो जो कॉस्ट ऑफ जो ग्रेवलिंग जो होगा वो 240 रुपीज़ आएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं और देखते हैं कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर देखो हाउ मनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ हॉल ऑफ लेंथ 60 मीटर ब्रेथ 12.5 मीटर
एंड हाइट 4.5 मीटर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक हॉल दिया गया जिसका लेंथ ब्रीथ और हाइट दे दिया गया, और पूछा जा रहा है कितने पर्सन उस हॉल में आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया एज्यूमिंग दैट, ऐसा मान लो कि 3.6 मीटर क्यूबिक ऑफ एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन, यानी एक पर्सन को 3.6 मीटर क्यूबिक एयर चाहिए। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ पर्सन आपको जब पता करना होगा, तो नंबर ऑफ पर्सन डिपेंड करेगा पर्सन्स की वॉल्यूम ऑफ हॉल क्या है, वॉल्यूम ऑफ हॉल डिवाइडिंग बाई रिक्वायर्ड एयर बाय वन पर्सन, इससे आपको डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ हॉल में हमको क्या करना होगा, LBS देखना होगा। तो यहाँ पे लेंथ है 60 मीटर, 60 मीटर डाल दीजिए, ब्रिथ 12.5 और हाइट 4.5। तो चूंकि मीटर 3 बार आया हुआ है तो यहाँ मीटर क्यूबिक लग जाएगा, अपॉन यहाँ पे एक पर्सन को एयर जो जरूरत पड़ेगी वो 3.6 मीटर क्यूबिक है। तो यहाँ पे 3.6 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये भी मीटर क्यूबिक में, तो ये मीटर क्यूबिक कैंसिल कर लीजिए, क्लियर। अब यहाँ पे चीज़ देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा आप घबरा जाते हो कि इसको कैसे करेंगे, चूंकि डिनोमीटर में यहाँ पे डेसिमल दिया गया है। तो ये याद रखो कि ये डेसिमल जो है, डेसिमल नंबर जो है 1 प्लस तक लिखा गया है, तो इसका अगर डेसिमल हटाना होगा तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें डेसिमल हट जाएगा, और ऊपर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते हैं कि 16 × 12.5, और मान लो कि 4.5 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 45 हो जाएगा, नीचे आपको मिल जाएगा 36। अब यहाँ पे 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 16 को 4 से डिवाइड कर दो तो ये जो है 4 टाइम्स में यहाँ आपको मिल जाएगा। तो अब आपके पास रिजल्ट है, यहाँ पे बच रहा है 4 × 5 × 12.5, इसी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और आपको जो है देख लीजिए, यहाँ 4 है, यहाँ 5 आ गया, और ये 12.5 ये जो था इसी का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई किया 20 हो गया। अब 20 का मल्टीप्लाई 12.5 में कर दीजिए, चलिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि क्या दे रहा है रिजल्ट। तो 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 and 1 = 5, और 2 × 1 = 2, 1 0 यहाँ पे लगा लीजिए और यहाँ डेसिमल 1 नंबर पहले लगा हुआ है तो यहाँ लगा दीजिए। तो जो नंबर ऑफ पर्सन जो होगा वो 250 आएगा यहाँ पे, यहाँ चूंकि डेसिमल लग गया है तो नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 250। अगर आप इसे रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके प्लेलिस्ट का जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, मैं उसे देखें, और ऊपर जो आई बटन जो दिया गया है उस आई बटन के माध्यम से तमाम आप क्लास 8 की यूजफुल वीडियो दे सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।